आपको चिकन पुलाव की रेसिपी में आपको वेलकम है। पार्ट टू में आपको वेलकम है। और आपको मैंने पार्ट वन में बताया था कि आप इसको बोनलेस चिकन को गला लीजिए। अब मैं इसमें इसके बाद आपको बताती हूँ। अब इसमें 4 कप पानी डाल दीजिए। इसमें 4 कप पानी ऐड करें। पानी ऐड करके हल्का हल्का मिक्स कर लीजिए और इसका ढक्कन ढक दीजिए। आ गया है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने देखिए मैंने 2 बाउल लिए थे, इसमें से पहले मैं 1 बाउल डालूंगी। चावल डालने के बाद इसको आस्ता आस्ता से मिक्स करूंगी ताकि ये पानी में इस तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ा बॉयल आने देंगे, को 2 मिनट के लिए ढक देंगे।
इसका पानी ख़त्म हो गया था और मैंने इसको दम पर लगा दिया है 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा पुलाव रेडी है। मैंने इसको दम पर लगा दिया था, अब मैं जल्दी से ये बाकी बची हुई इसमें हरी मिर्च भी डाल दूँगी और इसको जल्दी से बंद कर दूँगी ताकि इसमें खुशबू आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही स्पाइसी सा हमारा पुलाव रेडी है और आप देख सकती हैं। ये देखिए मैंने वाइट रायता बनाया है विथ चिली। ये मैं आपको इसकी भी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।